प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का चौथे प्रश्न का पांचवा भाग से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। इसे पिछले वीडियो में हमने चौथे प्रश्न के चार भाग हल किए थे, तो पांचवे भाग में हमें संख्याएं दी हैं 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 3 रूट अंडर रूट 2। तो हमें इन पदों में ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हमने इसे पहला पद मान लिया a1 इक्वल टू 3, इसे दूसरा पद a2, इसे हमने तीसरा पद मान लिया और इसे हमने चौथा पद मान लिया। तो अब हम घटा के देखते हैं a2 में से a1 को। तो a2 में से a1 घटाने पे, यानी 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटाने पे, हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रूट 2 बचेगा। इसके पश्चात तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 हमारा तीसरा पद है और 3 प्लस 2 रूट 2 हमारा दूसरा पद है। इन दोनों को घटाएंगे तो पीछे वाले ब्रैकेट में हम माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो दोनों पद हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा, यानी 2 में से 1 घट के 1 रूट 2 हमारा बच जाएगा। तो 6 को अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो यहाँ भी हमारा जो क्रमागत पदों का अंतर था अंडर रूट 2 आया है, यहाँ भी अंडर रूट 2 आया है। अतः चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है। तो जब एक एपी हमारी सिद्ध हो जाती है, ज्ञात हो जाती है, तो उसके पश्चात हमें 3 पद और निकालने होते हैं श्रेणी के। 4 पद हमें दिए हैं तो हम पाँचवा, छठा और सातवां पद निकालेंगे। a5 हो जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हमारा पांचवा पद है। इसी प्रकार छठा पद हो जाएगा a प्लस 5d से 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और सातवां पद होता है a प्लस 6d, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 जो है हमारा सातवां पद हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें हमें जो सीरीज दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 पर हमें 2 दिया है। तो हमने इनको क्रमशः a1, a2, a3 और a4 मान लिया है। अब हम इन पदों का अंतर देखते हैं। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं a2 में से a1 को। तो 0.22 में से 0.2 को घटा के 0.02 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा पद और दूसरा पद है, इनका अंतर हम देखते हैं। तो 0.22 में से 0.22 को घटा के हमें प्राप्त हुआ है 0.002। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं आया है, तो हमें कह सकते हैं कि यह एक एपी नहीं है। इसके पश्चात छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है 0, -4, -8, -12। तो इन्हें भी हमने क्रमशः a1, a2, a3 और a4 मान लिया है। तो a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो -4 में से हमने -0 को घटाया है, तो 0 को घटाने में कोई अंतर नहीं आया, फिर से -4 हमें प्राप्त हुआ। और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर, यानी -8 में से -4 को घटाने पर हम देखते हैं कि पीछे वाली जो संख्या उसका चिन्ह हमारा चेंज हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो माइनस का 8 और प्लस का 4 है, यानी दोनों संख्याएं घट जाएंगी, तो अंतर आएगा 4, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर -4 हमें मिलेगा। तो जो अंतर दूसरे और पहले पद का था, वही अंतर तीसरे और दूसरे पद का है, अर्थात क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो यह एक एपी है। तो इसके 3 और पद हमने ज्ञात करने हैं। तो पाँचवा पद हो जाएगा ए प्लस 4d, ए यानी पहला पद 0, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -4, तो 0 है, तो इस पद का कोई मान नहीं है। तो पीछे वाला पद ही सीधे आएगा, 4 चक्को 16 और प्लस माइनस माइनस का 16। फिर छठा पद है a प्लस 5d, यानी 0 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू, तो 5 चक्को 20 यानी माइनस का 20 हमें प्राप्त हो गया। फिर सातवां पद a प्लस 6d, तो 0 प्लस 6 इंटू 4d की वैल्यू -4, तो 6 चक्को 24 और प्लस माइनस माइनस का 24। फिर आठवां प्रश्न हमें दिया है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो इसमें चारों ही पद हमारे -1/2 दिए हैं, तो चारों पदों को हमने a1, a2, a3, 4 मान लिया है। दो पदों का अंतर हम देखते हैं, तो क्योंकि हमारे समान पद हैं तो घटाने पे हमारा अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार तीसरे और दूसरे पद को घटाने पे भी हमारा अंतर कितना आया है, 0 आया है। तो चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान आया है, इसलिए यह एक एपी है। जिस एपी का प्रत्येक पद क्या होगा, -1/2 होगा। तो हम अगर पांचवा, छठा और सातवां पद भी निकाल के देखते हैं, तो चूंकि हमारा प्रथम पद सेम है और सर्वांतर 0 है, तो हर केस में हमें जो पद है वो -1/2 ही प्राप्त होता है।